قاضی عبدالوحید صاحب اور زبان اور مذہب ایک جیسا और हर हर जुबान में ये तो हमें नहीं है।
knowledge is about us waqt se aaj tak jo insaan jinnat aur farishton jo natik makhlooq hai us par haavi hai farishton ki saath ke samtaal mein ilham jo hui to sari zubaan ek zai jitni bhi zubaanein duniya mein boli gayi boli ja rahi hain aur qiyamah tak boli jayengi ये सारी की सारी अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम है इनकी इब्तिदा बराबर है इल्हाम में ज़हूर इनका अपने अपने वक्त में क्योंकि मुरूर एक अस्मना और अम के नाम की वजह से तसीर और तसर होता है इस्तेमाली को बतियाती हैं लोगों की तरजीब बदलती हैं लोगों के सारे मामला बदलती हैं ऐसी जुबानों पर भी असर होता है नई जुबानी जन्म लेती हैं इसलिए ये जबान हिंको जबान मेरे अंदाजे के मुताबिक और मैं इस पर काम करूंगा कि ये हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में बुद्ध मत जो उनका मजहब था उसकी जबान है चाइना से इसने ट्रेवल किया है और ये जबान तुर्की गई है तुर्की में हिंको जबान के तकरीबन 40% लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे हम गुजना कहते हैं ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं और फिर तुर्की से यूनान जो उसके साथ है और ये सारे इलाके मुतासर हुए हैं हिंको जबान चूंकि बुद्ध मत की रही है और दुनिया की तहजीबों में इल्मी तौर पर एक्सला जो एक इल्मी तहजीब थी इसका सानी हो कदीम अज़्म नस्ल इसलिए यहां लोग इसलिए भी आते थे कि ये इलाका साफ पानियों का इलाका है आबो हवा अच्छी है और फिर ये कि ये सारी दुनिया का मरकज है जितने भी लोग गुजरते हैं टैक्सला से गुजरते हैं आते जाते हैं लिहाजा यहां बड़ी बड़ी तहजीबें फिर बाद में हिंदुओं की रही सिखों की रही मुसलमानों की रही लेकिन जबान को बका की जमानत हमारे मजहब जैसे जयाउद्दीन साहब ने भी एक जुमला इस्तेमाल फरमाया जबान मिट जाती है नई जबान आती है वो जबानें पूरी होती हैं जो इल्हामी तौर पर उतरी हैं अल्लाह की तरफ से वो पूरी होती हैं लेकिन वो जबानें आने में तो आ जाती हैं जाने में जाती नहीं है जो उस इल्हामी किताब की जुबानी और उसकी तशरीह और तफसीर की जुबानी बन गई जिसकी जमानत अल्लाह ने अपनी किताब में खुद दी है इसलिए आज आपने देखा कि आपके सामने कुरान पाक का तर्जुमा नज़्म और नसर दोनों में पेश किया गया और इस जबान की बका में बुनियादी जो किरदार है वो उलमा का है और उस जमाने में जिस जमाने में तालीम का यहाँ कोई सिस्टम नहीं था उलमा उस वक्त भी पढ़ाने वाले थे और हर गांव वो एक इल्मी मरकज होता था उन्होंने बाकायदा पक्की रोटी नूरनामा और इस किस्म की चीजें नज्म और नसर में लोगों को बयान की जो हमें याद कराई जाती थी हमारे अकाबर की तरफ से इसलिए इस जबान को शायद कुछ अरसे बाद ये बदल जाए लेकिन क्योंकि इसके कवायद और जवाबत बाकायदा तहरीर नहीं की गए थे ये गंदारा हिंको बोर्ड और हजारा हिंको एकेडमी ने मेहरबानी की हिंको बोलने वाले लोगों और उनकी माओ का एहतराम किया और उनके रस्म रवाजात को तहफ़ दिया जितने भी लफ्ज इन लोगों के लिए इस काम की वजह से मैं बड़े बड़े शुक्रिया के अदा कर सकूँ वो लफ्ज छोटे हैं और इनका काम बड़ा है और इसमें जहाँ सारे लोगों के बड़े बड़े कारनामे हैं ज़ियाउद्दीन की ज़िया शायद क़यामत तक बाकी रहेगी और इस और आखिर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तालियां बजाई गई तो आपने फरमाया बुखारी शरीफ इन नमत तस्वीर को दिन निसाब कि तालियां जो हैं औरतों के लिए हैं इसलिए मैं एक मर्द भी आदमी दीन होने और उलमा का खत्म होने की हैसियत से गंगारा हैं
मुझे उम्मीद है कि इस तरफ तवज्जो दी जाएगी, सारे लोग सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखेंगे और जिस वक्त नमाज का टाइम आएगा अजान होगी और उसमें हम नमाज पढ़ा करेंगे। अल्लाह ताला सारे वो लोग जो मरहूम हो चुके हैं या मौजूद हैं सबको जज़ाए खैर दे, जो मरहूम हो गए गंदारा हिंदको बोर्ड के अफराद हों या वो हजारा हिंदको एकेडमी के या दीगर हमारे उलमा और लोग जो चार पास हैं, अल्लाह माफ़रत फरमाए, जो बाकी नहीं आता इनको बाकी रखे और बाकी रहना अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक से है जो कभी नहीं मिटते। अल्लाह हमें इस बड़े ताल्लुक को, मरने के बाद सारे वापस आ जाते हैं लेकिन अल्लाह साथ ही रहता है, उस रात से दूरी से हमें महफूज रखे और दुश्मन शर शैतान से महफूज रखे। मैं आखिर में आप सारे लोग सामीन का शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे दुआ करूँगा कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये मोहरी दुनिया से चला गया है तो मगफरत की दुआ कर देना और मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह हम सब की मगफरत फरमाए, कब्र आफरत दुरुस्त फरमाए और जिन अजीम लोगों की हम औलाद हैं और उनकी बड़ी बड़ी इस्लाम में बड़ी बड़ी खिदमत हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ज़ियाउद्दीन साहब की ज़िया को अल्लाह दुनिया आफरत और कब्र में मेरे साथ रखे और ग्यारहवीं और बारहवीं ये दोनों हमें आगे बढ़ाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और इनके साथ दिल जान से मदद की तौफीक अता फरमाए। ज़बान इल्हामी है, उम्र कल से न सिर्फ रखी है जिससे सारी ज़बानें अल्लाह ने तरतीब की हैं। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।